नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। सुमित वर्मा निवासी रोहली टोला पुराना शहर थाना बारादरी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। सुमित ने आरोप लगाते हुए कहा है कि 116 थाना बारादरी पुलिस ने वह काका टोला क्या मामला है, कहां से इंचार्ज ने वहां तैनात सिपाहियों ने फर्जी 116 कराई है। सुमित भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा महानगर के कोषाध्यक्ष हैं। ये भाजपा विरोधी मानसिकता के व्यक्ति हैं एवं भ्रष्टाचार में लिप्त। मेरा नाम सुमित वर्मा है और मैं भारतीय जनता पार्टी महानगर किसान मोर्चा में कोषाध्यक्ष हूँ एवं पूर्वी मंडल प्रभारी। और पूर्व में मैं लगभग 6-7 सालों से शासन और प्रशासन के साथ समाज सेवी के तौर पर रहा हूँ। अभी बारादरी इंस्पेक्टर नीरज मलिक एवं काकाटोला चौकी इंचार्ज संतोष कुमार जी एवं उनके दो सहयोगी सिपाही इदरीस एवं सुनील कुमार, सबको ज्ञात है मेरे विषय में कि मैं कैसा व्यक्ति हूँ, कितनी साफ छवि का व्यक्ति हूँ और मैं पार्टी का पदाधिकारी हूँ। उसके बावजूद भी मेरे ऊपर 116 कर दी। मैं उनके खिलाफ़ विरोध जताता हूँ और ऐसे सिपाही और ऐसे इंस्पेक्टर को तत्काल में हटाने की अपील करता हूँ। इसलिए माननीय SSP साहब से आज हमने सबने पदाधिकारियों ने मुलाकात की है और मुलाकात में उन्होंने हमें दिलासा दिया है कि हम जल्दी जल्दी इनके ऊपर इसको जांच की इसकी रिपोर्ट की जांच करेंगे और तत्काल में कार्रवाई कराएंगे। आपके ऊपर जो आपका जो है नाम दिया गया है इन लोगों के द्वारा, इसको हटवाएंगे और बाकी हम सब लोगों ने मुलाकात कर उनके रिपोर्ट दी है। कन्हैया राजपूत मंडल अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल। मेरा एक कहना है कि पार्टी के पदाधिकारी तो आप छोड़ दो, जो समाज से भी हैं 24 घंटे पुलिस के लिए लगे हुए हैं, अगर उनकी 116 होगी तो आम नागरिक का क्या होगा है ना, क्या होगा आम नागरिक का जो पुलिस के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, हर जगह हाजिर हैं, हर त्यौहार शोभा यात्रा में लगातार लगे रहते हैं, कोई खाने का समय नहीं, किसी चीज़ का समय नहीं, घर परिवार को छोड़ के समाज सेवा लग रहे हैं, पुलिस की सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोगों की 116 नहीं होना चाहिए। ये मैं अपने अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि इसकी तत्काल जांच करा के इनकी 116 हटाई जाए। और इन जैसे करप्ट अधिकारी जो इस समय थाना बारादरी नीरज मलिक एवं संतोष कुमार जी एवं इदरीस और सुनील कुमार, इन सबको तत्काल में हटाने के आदेश दिए जाएँ, ये मांग है हमारी।